क्या कहा था तूने? मुलकट माता के मेले में जैसा होता है वैसा ही करेगा। अब दिखाता हूँ तुझे। अरे बाप रे! उस दिन तू इसी की बात कर रहा था ना? ये त्रिशूल तेरे मुंह में और ये हुक तेरे पीठ में फंसाऊंगा, फिर तू माता से अपनी जान की भीख मांगेगा। सर, मैं तो श्री गणेश जी के बाजू में बैठे चूहे के जैसा हूँ। जब गणेश जी सामने होते हैं तो मैं शान से अपनी मूछें घुमाता हूँ, और जब गणेश जी चले जाते हैं तो मैं बिल में घुस जाता हूँ। सर, बिल में घुस जाता हूँ। तुझे बिल में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे हुक में लटका देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना। मुझे छोड़ दो। तेरी खाल उधड़ते देख कर तेरे बॉस को मेरी ताकत का एहसास होगा। मैं मर जाऊंगा। नहीं बॉस, नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं बॉस। ओ, तो तू आ गया? ऑफ कोर्स, लेकिन एक बात सुन, मुझे बुलाने से पहले सोचना चाहिए था। मेरे जाने के बाद तुझे अफसोस करना पड़ेगा। लेकिन क्यों, तू बवंडर है क्या? बिल्कुल, इज्जत से नंदी की तरह सर झुकाएगा तो तू बच जाएगा। अगर सींग मारने की कोशिश करेगा तो जान से जाएगा। सर झुका। मैं सिंह हूं जिसका सिर कभी नहीं झुकता। सर उठाकर खड़ा रहना स्वाभिमान का लक्षण है, सर झुकाना इज्जत का लक्षण है, सर घुमाना घमंडियों का लक्षण है, और ऐसे ही सरों को झुकाना इस विराट की स्पेशलिटी है। लुक, तूने मेरे प्रोजेक्ट को मुझसे छीन लिया। सीएम के साथ जो मैंने रिलेशन बनाया उसे बिगाड़ दिया। तेरी वजह से मुझे बहुत लॉस उठाना पड़ा है। सो या तो तू मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना ले, या फिर मेरे नुकसान की भरपाई कर। शेर कभी भी कुत्ते के साथ नहीं रहता। मेरे साथ दुश्मनी महंगी पड़ेगी। मेरे अंदर दो गुण हैं। अच्छे आदमी को लेने के लिए यम भी आ जाए तो उसे भी लौटा सकता हूँ, लेकिन बुरे आदमी को मैं खुद ही यम लोक पहुंचाता हूँ। सर्वनाश हो जाएगा तेरा। सर्वनाश किसका होगा ये पता चल जाएगा अगर तू सच में मर्द है। तो इस मोटे को छुड़ा कर ले जाओ। सिंह, मर्द क्या होता है ये आज देख लेना, तभी तो तुझ जैसा नामर्द सीख पाएगा। ऑल द बेस्ट।
अब क्या हुआ? उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। प्यार करता हूँ ऐसा भी तो नहीं कहा ना। पापा, हर बात विश्वास पर होती है और वो विश्वास मुझे है। विश्वास? ये देख कितना अच्छा विश्वास है। ये मासूम विश्वास पे ही पल रही है। पापा, आप मेरे मामले में दीदी का एग्जाम्पल मत दो। तो अब क्या करोगे बेटा? हो सकता है वो लड़की मैं ही हूँ। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसीलिए खुद टूटा हुआ नारियल बनकर तुम तीनों को प्रसाद बांट रहा है। दक्षिणा ना मिलने पर जैसे आप घूरते हैं वैसा हमारा प्यार नहीं है। देख लो भाग्यवान कैसी बातें कर रही है। अरे मैंने कभी ऐसा किया है क्या? प्रसाद जब खत्म होने लगता है तब आप बांटने में कंजूसी क्यों करने लगते हैं? देख कीर्ति, तेरा प्यार कहाँ तक पहुँचा है ये तो मैं नहीं जानती। सच में अगर तुम्हें वो चाहिए तो पहले उसके दिल में प्यार जगाना होगा। खुद को बर्बाद कर चुकी है, अब उसे पाठ पढ़ा रही है। पापा, आप जरा चुप रहिए, तुम बोलो दीदी। हाँ, मुझे ही चुप कराओ। मेरे हिसाब से तो हेल्प ले ले। किसकी लूँ? चाहे वो लड़का हो या लड़की, दिल की बात हमेशा फ्रेंड से कहते हैं। उसके क्लोज फ्रेंड्स कौन कौन है ये पता लगाओ और उनके जरिए विराट के दिल में तुम्हारे लिए प्यार है या नहीं इजीली पता चल जाएगा। मुझे उसके फ्रेंड से ज्यादा उसके सेक्रेटरी को अप्रोच करना बेटर लग रहा है। आपका भाई ही सेक्रेटरी से सबसे ज्यादा क्लोज है। ऐसे स्टेटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। स्फूर्ति, वो अपनी माँ का लाडला बेटा है, मेरे हिसाब से उसकी माँ से बात करना ज्यादा अच्छा रहेगा। बकवास आइडिया, अरे कुछ दिमाग से सोचना यार। अरे उसकी माँ सेंटिमेंटल है, कुछ नहीं हो पाएगा। करेक्ट, उसके साथ। ए, तू भी इसमें मत बोल। हाँ सॉरी सॉरी, उसके साथ 24 hours कौन रहता है? सेक्रेटरी, जाहिर सी बात है, ही इज वेरी क्लोज टू हिम। सो अगर तू उसे इमोशनली ब्लैकमेल करेगी तो उसे इजीली अपने कब्जे में कर सकती है। यस माँ जी, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। किस लिए और क्यों, ये मुझे पहले जानना है। मेरा सपना है कि मैं आपके घर की बहू बनूं माँ जी, तो आपकी रजामंदी जरूरी है ना? विराट की रजामंदी की जरूरत नहीं। इसीलिए तो आपकी मदद चाहिए। उन्हें क्या पसंद है? वो किस लिए? आपके बेटे को क्या पसंद है? मैं उन्हें कैसी लगती हूँ, उनका पहनावा, रहने की जगह, उनका खाना, सब सब सब। ठीक है, थैंक यू। ऐसी चाय विराट को बहुत पसंद है। उसका स्टेटस इम्पोर्टेंट नहीं है, कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है। वो सादा जीवन, उच्च विचार वाला आदमी है। काम के समय जो काम चोरी करता है, ऐसे लोगों को विराट जरा भी पसंद नहीं करता। उन्हें अपनी जिंदगी और काम से बाहर कर देता है। विराट से बहुत प्यार करती हूँ, आप लोग मेरी हेल्प करो प्लीज प्लीज। लगता है ये सच में विराट से बहुत प्यार करती है। ये मेरा ही घर है ना? डांस पार्टी चल रही है क्या? अरे बाप रे, सारी चुड़ैल मेरे घर में इकट्ठा होकर ऑर्केस्ट्रा का डांस कर रही है। मुझको ना तुम ऐसे बांटो, दिल को मेरे नायों का जो लफका, मैं कैरम बोर्ड हूँ। क्या बात है, आज मेरा घर संडे बाजार की तरह सजा क्यों है? आज से पहले तो ये जंका खड़ा हुआ करता था, इसका सीक्रेट क्या है ये पता लगाना होगा। देख बेटा, बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल सही जोड़ी है। सही जोड़ी है? हाँ। अरे एक है, उसे ही मैं ठीक से संभाल नहीं पा रहा हूँ। तुम यहाँ क्यों आई? मुझे तुम्हारे बॉस की पूरी डिटेल चाहिए। किस लिए? मैं तुम्हारी बॉस से शादी करना चाहती हूँ। हाँ। फिर हमारे बच्चे पैदा होंगे और उसके बाद। रुको रुको रुको, तुम्हें ऐसी बातें करने में शर्म नहीं आती? अगर मैं शर्म करने लगूंगी तो कोई तुम जैसा मिल जाएगा, जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तेरे माँ और बाप शर्म करके अलग अलग रहते तो तू इस दुनिया में आ पाता क्या? प्रीति,
तुझे इनके डिटेल्स कैसे पता? इस गधे को छोड़, तू तो उस हीरो को पटाए। मुझे गधा कहो। अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो मैं इन सब से ऐसा कहूँगी कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ए जी। क्या है जी? मान जाओ ना। क्या? मान जाऊँ? सुनो ना, इस बच्ची की हेल्प करो ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ करूँगा करूँगा। That's like a good boy. Super fantastic. इससे पता चलता है कि उन तीनों के प्यार को मुझसे ज्यादा तुम लोग बेहतर समझ पाए हो। मतलब? उनका सपोर्ट करो। उनका सपोर्ट करेंगे तो कंपनी का काम कौन करेगा? फिर हमारे गैरेज का क्या होगा? जो भी तुम लोग का लॉस होगा मैं भर के दूंगा, क्योंकि तुम सब मिलकर मुझे एक लाइफ पार्टनर ढूंढ के दे रहे हो ना। क्या बात है गुरु, लोग दो में ही परेशान हो जाते हैं और तुम्हारे पीछे तीन तीन पड़ी है, कैसे संभालोगे? तीन लड़कियों को देख चुका है, दो लड़कियों को पसंद कर चुका है, उसमें से एक सिलेक्ट होगी। एक मिनट, मैं मिस्टर शर्मा बोल रहा हूँ। बोलिए। कैसे हैं सर? सिंह के जीते जी, हमें कभी भी आराम नहीं मिलेगा। सर आसपास के गांव के लोग आ गए हैं, वो प्रोजेक्ट नहीं बनाने देंगे ऐसा कह रहे हैं, तो हम क्या करें सर? डोंट वरी, उनसे कहो मैं आ रहा हूँ उनसे बात करने। ठीक है सर।